हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे सेक्टर और वेक्टर्स के अंदर, और वेक्टर हम पढ़ रहे थे कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम कल उसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर कैसे हम उनका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो सीखते हैं हम आगे, ठीक है, यानी कह सकते हैं उसके अगली प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे हमें ए वेक्टर दिया गया है, उसके अंदर दे रखा है बेटा ए एक्स आई के ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, मीन्स एक्स एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, जेड का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा एक वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब हम निकालेंगे अगर दूसरा एक बी वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स वाई जेड, ये ए के हैं, ये बी के हैं, हम इन दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट मींस ए क्रॉस बी, ये करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो यहां लिखोगे एक्स के कंपोनेंट, यहां वाई के कंपोनेंट, यहां पे जेड के कंपोनेंट, पहले है ए फिर है बी। A क्रॉस B मैंने बताया था प्रॉपर्टी के अंदर, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो पहले जो कंपोनेंट आएंगे वो A के आएंगे फिर B के आएंगे, तो पहले A के कंपोनेंट I के साथ कौन है AX, AX, J का कंपोनेंट यानी Y का कंपोनेंट AY, Z का कंपोनेंट AZ, ठीक है, B के X का कंपोनेंट BX, Y का कंपोनेंट BY, Z का कंपोनेंट BZ, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या कहलाती है रो, ये रो है और ये क्या कहलाती है कॉलम, तो आई आई लिख देंगे मल्टीप्लाई करो, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये पूरी और ये पूरी, इसका मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ये इससे पहले तो ये पहले तो से मल्टीप्लाई है, तो माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, यानी ये कॉलम और ये भी छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, या फिर ए जेड बी वाई, वही की बात है, फिर लगाओ माइनस, माइनस ऑफ जे, सेम बात। अब क्या करो, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, जे वाले, इसका मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड, या माइनस लगाना, ठीक है, अगर माइनस प्लस लगाते हो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करना पहले, ठीक है, तो माइनस ऑफ जे, तो क्या करेंगे ए एक्स, यानी ये कॉलम छोड़नी हमें, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ठीक है, माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है, फिर आ गया प्लस के, प्लस के कै, तो चलो आगे, तो के कैप के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, इसका इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, क्या आई रो एंड कॉलम दोनों छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ जे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, के के का छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, आई का कोफिशिएंट क्या है, ये इसका स्क्वायर करो,
अगर मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, यानी कि जो आई का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशियंट क्या है, ये सारा माइनस ऑफ, तो ये माइनस के अंदर प्लस ही हो जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड इसका स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इसका स्क्वायर और कंप्लीट होल स्क्वायर, ना सॉरी अनरूट, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसके क्या लगा ऊपर अनरूट लगा दो, ये उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट वो लिखा था सीधा सा ए डॉट बी, इसमें आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, अब बात ये क्रॉस प्रोडक्ट ये यूज कहां होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में इसका बताया था कि इसका यूज जैसे टॉर्क निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, स्पीड निकालनी हो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, वो वैल्यू दी हो तो कैसे निकालेंगे उनका हम आगे देखेंगे, और क्या यूज है इसका वो पढ़ेंगे अभी इसमें आगे। हम क्या देखो बेटा, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम इसका ये पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, देखो कोई भी एक साइड मान लेते हैं किसी भी एक पैरेललोग्राम का, जिसमें उसने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से, एक उसकी एडजेसेंट साइड ये है बी वेक्टर, पैरेललोग्राम बना दें, इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी, इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये रो इधर ये रो, ठीक है बेटा। चलो तो किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करके इसका नाम देता हूं मैं ओ एम एन पी, ठीक है, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से इस ओ एम के ऊपर डाल देता हूं परपेंडिकुलर, ये कोई भी एक एंगल है थीटा ए और बी के अंदर, ए और बी में ये एंगल परपेंडिकुलर डाल दे 90 डिग्री का एंगल हो गया। रिजोल्यूशन में आपको समझाया था, अगर एक ट्रायंगल लीजिए इसका नाम को भी डाल दे, मैं इसका नाम डाल देता हूं क्यू, ठीक है, यहां पे ये क्यू नाम, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही होगी ओ पी क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर हमारे पास ये साइड दे रखी हो ओ पी, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड दे रखी हो, तो हम उसकी बेस और उसकी परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, मुझे निकालनी है पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो जो पी क्यू आएगा वो इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, साइन कंपोनेंट, एक मिनट एक सेकेंड, बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। देखो आगे, एन ट्राइंगल OPQ, ये ट्राइंगल हमारी OPQ, मैं आपको बता रहा था भी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो क्या निकालो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम बहुत बार निकाल सकते हैं चीजें, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा, इसके मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, और अगर ये निकालना हो तो क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो मुझे क्या निकालना है PQ, तो PQ की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी बी ओ साइन थीटा, बी ओ साइन थीटा, एक बार क्लियर, ठीक है भाई। अब आप देखो यहां से हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
क्या था भाई, ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड ओनली किसके इक्वल था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है भाई। अब हम इसको ए बी साइन थीटा को मैं ए इंटू बी साइन थीटा बोल सकता हूं, ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। और ए यहां पे कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, ओ एम, क्या है, ओ एम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओ एम हो गया। अब बी साइन थीटा क्या है, पी क्यू, पी क्यू, तो ओ एम इंटू पी क्यू, ये हमारे पास दो साइड है, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लिखा रखा है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इन दोनों साइड का प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट आप बताओ, मैथमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी, कि ये हमारे क्या कहलाएगी, बेस, ओ एम क्या है, बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पी क्यू क्या है, पी क्यू है हाइट। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर बेस और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पर ये हाइट है इसके मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब अगर आपको क्या दिया हो, आपको दिया हो ये साइड और ये साइड, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, ए साइड और बी साइड, अगर उन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मींस ज्योमेट्री मींस हम किसी का एरिया भी निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। किसी दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि दो साइड दे रखी है, दो एडजेसेंट साइड है, इन दोनों एडजेसेंट साइड का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उस पूरे पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, एरिया, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और अगर हम इसके अंदर बनाते हैं कि ट्राइंगल, ये तो था पैरेललोग्राम, अगर इसके अंदर बना दें ट्राइंगल, तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, देखो ट्राइंगल कौन सी, ओ पी एम, इन ट्राइंगल ये तो बात क्लियर होगी, ठीक है, मैं इसका रिजल्ट बाद लिख दूंगा, ट्राइंगल का एक अंग दोनों का, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी, इस ओ एम पी के अंदर अगर हम क्या करते बेटा, हाफ ओ एम और इंटू ए पी, ना सॉरी पी क्यू, दिस इज हाफ ओ ओ एम इंटू पी क्यू, मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट क्या कहलाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आप देखो ओ एम इंटू पी क्यू, ओ एम इंटू पी क्यू किसके बराबर था, ए क्रॉस बी के, ओ एम इंटू पी क्यू किसके बराबर, ए क्रॉस बी के, तो ओ एम इंटू पी क्यू के आगे हाफ से अगर प्रोडक्ट कर दू, मल्टीप्लाई कर दू, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एडजेसेंट साइड हो, एक ए साइड और एक बी साइड, तो अगर कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, हाफ, यानी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्वांटिटी आ गई दूसरी हमारे पास, यानी किसका दूसरा यूज, ठीक है। तो आप इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो थिंग तो चीज है निकल के वो क्या है, कि अगर आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी हो किसी पैरेललोग्राम का, तो अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ओनली क्या करोगे आप, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जरूर करना, ठीक है। दूसरा, अगर उसी के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, तो उस ट्राइंगल का क्या निकालना हो, एरिया, तो ट्राइंगल का क्या करोगे आप,
हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आपने जो ए क्रॉस बी किया है उसका मैग्नीट्यूड निकाला उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी ये भी कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस होता है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, या उल्टा भी हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आधी होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर आ जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मीन्स किसी का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का या पैरेललोग्राम का, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। मैं इसका छोटा जो यूज है हम, मैं इसको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, वो लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो इसका जो रिजल्ट है वो लिखवा देता हूं मैं। लास्ट एग्जाम टाइम में बस उसी चीज को पढ़ना है हमें, अगर न्यूमेरिकल साइड है तो ये ध्यान रखना है। टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ज्योमेट्री, कोई भी हमें ज्योमेट्री दे रखी है, तो जैसे फर्स्ट इफ ए एंड बी आर द टू साइड्स, टू कौन सी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड फर्स्ट सेकेंड। सेम ऐसे इफ ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये सेकंड हो गया। एंड नंबर थर्ड, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो आर टू डायगोनल्स, आर रिप्रेजेंट द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो आ जाएगा बेटा यही सेम जो हमने अभी किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल की इक्वल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इसके ये है कि ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर इसमें एक हमारे पास डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, और एक पास डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, जिसमें ये हमारे पास दे रखा है ए वेक्टर और ये दे रखा है बी वेक्टर, ऐसे तो दो डायगोनल दे रखे हूं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर मुझे क्या निकालना हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एक जो है इसका न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, ये थ्योरेटिकल था, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर हम। ठीक है, देखो जैसे आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं,
इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये दे दिया आपको, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई एक कंपोनेंट ना भी मिले, फिलहाल तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो हमें क्या निकालना है इसमें, ये दो साइड दे रखी है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, मान लो आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, then find the area of parallelogram, उस parallelogram का area क्या होगा, कैसे find करोगे आप। तो मैंने अभी क्या बताया था, area of parallelogram का किसके equal होगा, a cross b का magnitude। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a cross b निकालेंगे, a cross b, और a cross b निकालने का method आपको बताया था मैंने, i j k, पहले a, तो a का कोएफिशिएंट क्या है टू, ना सॉरी i कैप का टू, इसका कितना है माइनस थ्री, इसका कितना है फोर, b का क्या है यहाँ पे वन, यहाँ पे कितना है टू, यहाँ पे कितना है माइनस थ्री। अब इन दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट, देखो तो क्या करोगे, सबसे पहले i कैप लिख दिया, i कैप में कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थ्री इंटू थ्री हो जाएगा नाइन, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एट, फिर क्या बताया था मैंने माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, फिर जे में ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, माइनस लगाओ, फिर वन इंटू फोर कितना आ जाएगा फोर, प्लस के कैप, प्लस के कैप, के मीन्स ये हटा दो ये हटा दो, इसके इससे मल्टीप्लाई टू इंटू टू फोर, फोर माइनस लगाओ, वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब बताओ कितना आंसर आया, इसका आंसर आ गया, ये कितना बच गया आई केयर, यानी वन बच गया, ये कितना बच गया माइनस ऑफ टेन, माइनस टेन और बाहर क्या है माइनस है, कितना जाएगा प्लस टेन, प्लस टेन जे, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेवन, सेवन के कैप, सेवन के कैप। अगर आपसे ओनली उसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए, वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जाए तो हम निकाल सके हैं, लेकिन मुझे पूछा, हमने जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन में क्या था, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, एडजेसेंट साइड दे रखा था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये रहा इसका क्या कर दो मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है वन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, कितना है वन प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी नाइन, कितना गए वन फिफ्टी, वन फिफ्टी, वन फिफ्टी रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है स्क्वायर रूट इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर जो भी आपको दे रखा होगा, तो ये दोनों ए और बी किस में दे रखे हैं हमारे पास, जैसे ये मीटर में होगी ये मीटर में होगी, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी हमारे पास होगा उसके अंदर उसका आंसर इसका स्क्वायर नहीं यूनिट का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो ना मीटर स्क्वायर यूनिट का, तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर इसका ये दोनों दिए होते डायगोनल, डायगोनल दिए होते तो क्या करते बेटा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई हम कर देते तो इसका डायगोनल भी आ जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हम इसमें सेम ऐसे इसी टाइप के लिए हम नोट कर लेते इसको,
जैसे आपसे पूछा जाए टोर्क निकालो, गिवन दे रखा है, गिवन क्या है, फोर्स है, क्या दे रखा है मान लो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप और r वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर उसका वो दे रखा है 2i कैप माइनस 4k कैप, बस ये है। और आपसे पूछा जाएगा टोर्क, फाइंड टोर्क, फाइंड टोर्क, टोर्क निकालो उसका। तो टोर्क का जो फॉर्मूला होता है तो टोर्क आ जाएगा टाउ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आर क्रॉस एफ होता है ना कि एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। तो फर्स्ट कंपोनेंट आर का आएगा फिर एफ के आएंगे, तो भाई करो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, बोलो आई के कंपोनेंट पहले आर का, आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट है नहीं क्या कर दो 0, के का कंपोनेंट -4, एफ का आई का कंपोनेंट 3, जे कंपोनेंट -4, के कंपोनेंट -2, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से कितना आएगा आई एज इट इज, एज इट इज क्या करें, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, इसके इससे मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 0, कितनी आ जाएगी 0 माइनस, इसके इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 16 प्लस 16, तो ये माइनस तो बात था नहीं, माइनस बस गया, माइनस ऑफ जे ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -4, माइनस लगाओ, उसके बाद 3 इंटू माइनस 4 कितना आ जाएगा -12, -12 चलो हो गया, प्लस k कैप, प्लस k कैप के ये कॉलम ये रो छोड़ दो, इसके इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -8, माइनस 3 इंटू 0 0 कितना बचा, ये आ जाएगा -16 i कैप, ये कितना हो गया प्लस 12 और -4 कितना बच गया +8 और बाहर क्या है माइनस, तो +8 j कितना बन गया -8 k कैप, 8 k कैप, ये तो आ गया टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। और अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा -16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 64 और क्या आ जाएगा अंडर रूट कितना आ गया बेटा 448, 8 और 6 14, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा बेटा 6 6 12 और 12 5 17 18 और उसके बाद 384 अंडर रूट ये आ जाएगा। यूनिट निकालनी हो तो अगर मान लो इसकी यूनिट दी होती न्यूटन, इसकी दी होती यूनिट मीटर, तो उसके यूनिट आ जाते न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। तो ये है कैलकुलस, आप देखना उसे तो बहुत करेक्शन हो, बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट देख लो अच्छे से, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं इसका, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के। थैंक यू।